से खराब मौसम के कारण जनजीवन और सार्वजनिक सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। राजधानी रायपुर सहित कई जगहों पर तेज बारिश और कोहरा छाया हुआ है। सुबह रिश्ता कम होने की वजह से एयरपोर्ट पर कोई भी फ्लाइट लैंड और टेक ऑफ नहीं कर पाई। रिश्ता बढ़ने पर विमान सेवा फिर से शुरू हो गई है। लगातार बारिश से मंडियों में रखा धान भीग गया। प्रदेश के अलग अलग जिलों में पिछले दो दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 8 फरवरी तक मौसम में कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। राजधानी रायपुर में मौसम बेहद खराब हो गया है। पिछले दो दिनों से लगातार छत्तीसगढ़ सहित राजधानी रायपुर में हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले दो दिनों की बात की जाए तो राजधानी रायपुर में रुक रुक कर बारिश यहां पर हो रही है। कल देर रात यहां पर देखने को मिला था कि तेज बारिश भी हुई थी। इसके अलावा सुबह से ही यहां पर घना कोहरा छाया हुआ है। ये रायपुर की तस्वीर है जो कोहरे की चादर में पूरा जो राजधानी रायपुर है वो यहाँ पर ओढ़ा हुआ नजर आ रहा है। मौसम खराब होने की वजह से जो फ्लाइट सेवा है वो भी प्रभावित नजर आ रही है। राजधानी रायपुर एयरपोर्ट की बात की जाए तो सुबह से एक भी जो फ्लाइट है यहाँ पर न तो लैंड कर पाई है और न ही टेक ऑफ हो पाया है। तो इस तरह से लगातार मौसम खराब होने की वजह से कई तरह की परेशानियां भी निकल कर सामने आ रही है। इसके अलावा कई जगहों के मंडियों में रखे धान भी बारिश के वजह से भीगते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो 8 फरवरी तक मौसम ऐसे ही बना रहेगा। इसके बाद मौसम में परिवर्तन हो सकता है। कैमरामैन श्याम पटेल के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही।